सो एंड माय नेम इज कमलदीप सिंह नेजर और आज हमारे पास ट्रिक ऑफ द डे में क्या है दैट इज़ अ इंटीग्रेशन करने वाले हैं दैट इज़ अ डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें बच्चे अक्सर अटक जाते हैं उसी क्वेश्चन को हम आज करने वाले हैं विदाउट इंटीग्रेटिंग। क्वेश्चन तो इंटीग्रेशन के लेकिन आपको इंटीग्रेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट इसे देखेंगे, हल्का सा मुस्कुराएंगे और इसका आंसर कर देंगे। तो चलिए स्माइल के साथ करते हैं स्टार्ट। तो देखिए 3 क्वेश्चन है और यहाँ पर एक जो कंडीशन है वो ध्यान से रखना, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन है, कॉज है, साइन है, कॉज है, साइन है, कॉज है, एंड साथ ही में हमारे पास जो लिमिट है वो ध्यान रखना, ये ट्रिक इसी लिमिट के लिए काम करेगी, 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2 एंड 0 से लेकर π/2। तो चलिए इसका आंसर कैसे करेंगे तो देखते हैं ध्यान से, इसका जो पहले का हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आएगा, दैट इज हमारे पास पाई आपके पास आ जाएगा, इसके अंदर भी आपके पास पाई आएगा, एक चीज कॉमन आएगी तीनों के अंदर और इसके अंदर भी आपके पास पाई आएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका आंसर जहां पर आएगा दैट इज 3 × 3 × 2 = 6 = 12, ठीक है, और इसका जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज 2 × 2 = 4, दैट इज 4 × √5 आपके पास आ जाएगा, और इसका जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज 4 × 8 एंड दिस इज इक्वल टू आपके पास √10 आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना कम समय यहाँ पर लगा, तो कैसे हमने डायरेक्ट इनके आंसर कर दिए। तो क्या आप सीखना चाहते हो, यदि सीखना चाहते हो तो अभी लिखें नीचे कमेंट बॉक्स में जैस सर, ठीक है, सर लिखना है लिखे, अदरवाइज आप जैस तो लिख सकते हैं, जैस आई वॉन्ट टू लर्न दिस ट्रिक। तो चलिए इस ट्रिक को समझते हैं कैसे करना। सो दिस इज अ वेरी सिंपल ट्रिक, आपके पास कभी भी 0 से लेकर π/2 जैसा कोई एक्सप्रेशन हो, लाइक जहां पर आपके पास कोई भी नंबर है, लाइक आपके पास m है और साथ में cos square x है प्लस आपके पास n into sin square x है और dx, तो आपने इसका जो आंसर करना है डायरेक्ट आपने आंसर क्या लिखना है, आपने इसका आंसर π/2 लिख देना है और साथ में आपने क्या लिखना है, जहां पर जो भी आपके पास cos square और sin square के साथ नंबर है उनका रूट लेकर जहां पर आंसर कर देना है। सो दिस इज द ट्रिक हमारे पास π/2 √m × √n। अभी देखते हैं हमने इसे कैसे अप्लाई किया, जहां पर हमारे पास जो फर्स्ट था उसका आंसर हम देखते हैं हमने कैसे लिखा था। तो मैंने बोला था कि हमारे पास π/2 तो आएगा, साथ में आपका 9 का रूट कितना होता है 3 होता है, 4 का रूट कितना होता है हमारे पास 2, सो दिस इज व्हाट π/12 हमारे पास, दिस इज π/12। इसका आंसर हमारे पास कैसे आया होगा, दैट इज आपके पास जैसे आपने 5 का रूट लिया वो तो शो रहा, 4 का रूट 2 होता है और 1 आपके पास यहां से आ जाएगा, सो 4 × √5 हो जाएगा। इसका आंसर हमने कैसे किया, 16 का रूट आपके पास कितना होता है 4, 4 × 2 आपका 8 आ जाएगा, साथ में 10 का रूट आपका लग जाएगा। तो कैसी लगी ट्रिक, काफी आसान होगी, आपके फेस पर एक स्माइल तो आई होगी। सो इसे नोट कर ले, आपके लिए 2-4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए आने वाले हैं, आपने करना और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करना और अपने फ्रेंड को भी आप शेयर करेंगे, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज के लिए आपका जो होमवर्क है उसमें 3 क्वेश्चन आपने करने हैं, 0 से लेकर π/2 5 sin² 5 cos² 0 से लेकर π/2 ये 3 है हमारा, ये 9 है जहां पर 2 और जहां पर 8 है। तो जल्दी से आप इसको करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अच्छा सा आंसर करना और कल की वीडियो का वेट करेंगे हम एक अच्छी ट्रिक के साथ। लेकिन हेयर आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, यदि आपने देखा है तो आपका आंसर मैं जहां पर देखना चाहूंगा और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगी आपके आंसर से। तो चलिए ऐसे हंसते रहिए और हंसाते रहिए, कल फिर मिलेंगे नई ट्रिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।